उत्तर प्रदेश में वैसे तो 403 विधानसभा सदस्य यानी विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन जनपद जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर सीट से चुने हुए इस नौजवान विधायक की कहानी आज के नौजवानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। विधि की पढ़ाई करने के बाद इस नौजवान ने अपने न्यायाधीश पिता के पेशे से विपरीत जाकर सियासत में अपना मुकाम 30 साल की उम्र में ही विधायक बनकर हासिल कर लिया और आज के समय के चकाचौंध वाली राजनीति से किनारा करते हुए गांधीवादी उसूलों के साथ अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की मेहनत में प्रयासरत हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पंकज पटेल की, जिनके पिता वर्तमान में श्रावस्ती जिले में प्रिंसिपल जज के पद पर कार्यरत हैं। पिता पंकज को यूपीएससी की तैयारी कराना चाहते थे, पर 23 साल की उम्र में जब उनका बेटा इलाहाबाद में यूपीएससी की तैयारी के लिए पहुंचा, तो उन्हें वहां राजनीति में दिलचस्पी पैदा हो गई। फिर क्या था, राजनीति में हर किसी को अपना एक आइडल तो चाहिए ही होता है जो उसका हीरो बन सके। पंकज को अपना वो हीरो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में मिल गया और उस 23 साल के नौजवान ने ये ठान लिया कि अब से उसे अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही राजनीति सीखनी और करनी है। पंकज ने अपनी LLB पढ़ाई के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में अपने घर वालों से छुप छुप के हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वे साल 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाने के कारण उनकी विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई। अपने नेता के इस आदेश को पंकज ने बखूबी माना और अगले चुनाव 2022 तक अपनी विधानसभा में खामोशी से लोगों के साथ जुड़े रहे, उनके हर दुख सुख में खड़े रहे। पंकज के पास दूसरे नेताओं की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां खर्च करने को बेहिसाब पैसा तो नहीं था, लेकिन जो था वो था उनका लोकप्रिय व्यवहार, जिससे उन्होंने सबका दिल ऐसे जीता कि अपने पहले चुनाव में ही बिना किसी खास अनुभव के जीत हासिल कर पहले बैचलर विधायक बन गए। कल इस नौजवान विधायक का 30वां जन्मदिन था, जिसको मनाने के लिए पहली बार विधायक बने इस नौजवान नेता ने किसी 5-स्टार होटल में जश्न मनाने की बजाय अपने क्षेत्र की आदिवासी बस्तियों में बच्चों के साथ मिलकर केक काटा और जरूरतमंदों को ठंड की सामग्री बांटी। हम अपने दर्शकों को ये कहानी इसीलिए दिखाना चाहते हैं ताकि हम और आप देश की राजनीति को अच्छी नजरों से भी देख सकें। हमारे युवाओं के भीतर एक बेमिसाल ऊर्जा बसती है, जिसे अगर वो सही दिशा में इस्तेमाल करें तो बिना किसी चांदी के चम्मच के भी वो अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से चैनल स्टेट हेड वकास वारसी की रिपोर्ट।